हेलो सचिन, हेलो, बोलो ना। भेजना यार, कुछ दिन में वापस कर दूंगा तुझे। मैंने तुझे पहले ही कहा था, मैं खुद प्रॉब्लम में हूँ यार। तुझे कभी ना बोला है मैंने? प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। क्या हुआ, क्या बोले वो? उसने ना हेलो, हेलो, संतोष कदम, ग्लोबल बैंक से बात कर रहा हूँ। 5 महीने से आपने एक भी हफ्ता नहीं भरा। सर थोड़ा समय दीजिए, भर दूंगा। हर बार यही बातें बोलते हो, थोड़ा समय दीजिए, थोड़ा समय दीजिए। चुकता करना नहीं आता है तो लेते क्यों हो? क्या हुआ, किसका फोन था? सब कुछ तो कर रहा हूँ प्रिया, दिन भर जॉब करता हूँ, अपने परिवार को चला रहा हूँ, अब नहीं चल रहा, ऐसा लग रहा है खुदकुशी कर लो। ये क्या कह रहे हो आप? कुछ ना कुछ जरूर हो जाएगा, मैं हूँ ना आपके साथ। तंग आया हो प्रिया इस जिंदगी से? कुछ ना कुछ जरूर कर लेंगे, आप फिकर मत करो। अंदर नहीं बुलाएगा? अरे आओ ना, आओ ना। हे चुटकी, कैसे आना हुआ? गुड न्यूज है, मेरी शादी तय हुई है। ओह, बधाई हो, बधाई हो। थैंक यू, थैंक यू। बहुत बधाई हो भाई आपको। थैंक यू भाभी जी। संतोष, ये रहा मेरी शादी का कार्ड। सबको आना है शादी में। भाभी जी, आपको आना है, कोई बहाना नहीं चलेगा, बच्चों को भी लाना है। हाँ जरूर, मैं अभी चाय बना के लेके आती हूँ। नहीं नहीं, रुकिए भाभी जी, और भी बहुत कार्ड बांटने हैं। बस 5 मिनट लग जाएंगे, रुकिए। कहीं जॉब देखना, जहाँ सैलरी थोड़ी अच्छी हो। तुम जॉब पे थे ना? सैलरी बहुत कम है और प्रिया का भी जॉब छूटा है। संतोष, मैं तुझे हमेशा कहता था कि सैलरी के साथ साइड इनकम आना बहुत जरूरी है, लेकिन हमेशा तू बड़ी बड़ी बातें करता था कि हमें ये नहीं चाहिए, हमें वो नहीं चाहिए। देख लिया ना आज। ओ संतोष, चल मैं निकलता हूँ। करना है ज्वाइन? देख संतोष, उम्र बढ़ जाती है, बच्चे बड़े हो जाते हैं, बढ़ती उम्र के साथ जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है। नौकरी कोई भी हो, प्राइवेट हो, गवर्नमेंट हो, सैलरी सिर्फ अपना घर चला सकती है, सपने पूरे नहीं करती। अभी भी समय है।
गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। ऐसी कंपनियां फेक होती है, फ्रॉड होती है। बाद में हाँ यार, सब लुट के भाग जाती है। सही में यार, पब्लिक को उल्लू बना के भाग जाती है। ऐसा नहीं यार, हर एक कंपनी का बिजनेस मॉडल अलग अलग होता है। मैंने भी ज्वाइन किया है, एक बार सेमिनार तो अटेंड कर। संतोष, मैं तुझे हमेशा कहता था कि सैलरी के साथ साइड इनकम आना बहुत जरूरी है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सर थैंक यू। दोस्तों, हमें पता है आजकल हमारे कितने खर्चे हैं। घर का भाड़ा, फ्लैट का ईएमआई, बच्चों की स्कूल फीस, लाइट बिल, पानी बिल है, गैस बिल है। सैलरी में से कितना बचता है हाथ में? नौकरी सिर्फ एक सिक्योरिटी होती है, चाहे वो गवर्नमेंट हो या प्राइवेट। लेकिन हमने जो सपने देखे वो सैलरी से कभी पूरे नहीं होंगे। जिंदगी बस एक बार मिलती है, उसे भाग भाग के जीना है या आसान करना है ये हम लोग तय कर सकते हैं। ये हमारे ऊपर डिपेंड है। हम कोई भी काम करें, लोग नाम रखते हैं। लोग क्या सोचते हैं, इससे बेहतर कंपनी कैसे वर्क करती है ये समझना पड़ेगा। अपने अंदर के वो इंसान को जगाना पड़ेगा जो आगे की सोचे और अपने साथ सभी लोगों का विकास कर सके, उनकी मदद कर सके। बिग एनर्जी, न्यू बिजनेस मॉडल ऑफ मॉडर्न इंडिया, जो आपकी सोच को बदले, जो आपके सपनों तक पहुंचाए। बिग एनर्जी। अब मैं वेलकम करना चाहूंगा अपनी टीम में मिस्टर संतोष। आपके लिए ढोलक संतोष। घर का ईएमआई, फ्लैट का भाड़ा, बच्चों की स्कूल फीस, लाइट बिल, पानी बिल, गैस बिल, डेली खर्चे, मोबाइल बिल, महीने का राशन, सैलरी में से हाथ में बचता कितना है। जिंदगी बस एक बार मिलती है, उसे भाग भाग के जीना है या आसान करना है। लोग क्या सोचते हैं, इससे बेहतर ये कंपनी कैसे वर्क करती है ये समझना पड़ेगा। अपने अंदर के वो इंसान को जगाना पड़ेगा जो अपने साथ दूसरों को भी आगे लेके जाए। कुछ पंक्तियां हमारे लीडरों के लिए जिन्होंने यहां तक मुझे पहुंचाया। अपूर्व अभिवृद्धि भारत की, आप प्रबल राष्ट्र प्रेम के नायक हो। आप योद्धा, आप पराक्रम, अदम्य साहस के आप राजेश्वर।
आप अनुभव, आप अनिकेत नई क्रांति की सूचक आप हो। एकाकी प्रयत्न से चल पड़ने वाले सृजन हो, सृजक हो, नव सृजन की चेतना उज्जवल भविष्य का आगाज हो। प्रगति और आर्थिक वृद्धि का मूल मंत्र देने वाले सार्थ हो, पार्थ हो, आप क्रांति हो। बिगिनर न्यू बिजनेस मॉडल ऑफ मॉडर्न इंडिया, जो आपकी सोच को बदले, जो हमें अपने सपनों तक पहुंचाए।